तो ज़ोरोस्ट्रियन यानी कि पारसी लोगों की जब यहाँ पे डेथ होती होगी तो डेड बॉडी जो है ये अलग अलग पार्टीशन में रखते होंगे। देख लो साइज़ के हिसाब से ये बड़ा पार्टीशन है ये बच्चों के लिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह में बज रहे 8:30 और दीव को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम सुबह सुबह में जल्दी निकल पड़े अपने घर से। काफ़ी अच्छा लग रहा है, आज ठंडा माहौल है, कल रात से ऐसे ठंड लगे जा रही है। 2-3 दिन से ठंड नहीं थी, एकदम से कल रात को ठंड ज़्यादा बढ़ गई और सुबह में भी अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। होप करता हूँ कि पूरे दिन ऐसा माहौल रहे। आज हम दीव की बहुत ही खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं यानी कि गंगेश्वर। जी हाँ, वहाँ पे टेंपल भी है। 1.5 साल पहले मैंने गंगेश्वर एक्सप्लोर किया था, वो जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। रोड का कंस्ट्रक्शन चालू है और डाइवर्जन यहाँ से होगा क्या, खुदाई काम चल रखा है, जेसीबी की खुदाई चल रही है। तो ये देख लो, वो ऐसे रास्तों से गुजरने में मज़ा आती है। ये रास्ते से गुजरते हुए मुझे अलग ही फील आई, ऐसा लगा जैसे कोई और ही कंट्री में घूम रहा हूँ मैं। छोटे छोटे रास्ते, दोनों साइड घर, इतने कलरफुल घर है ना यहाँ पे, देख लो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गंगेश्वर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। ये गंगेश्वर का बीच स्टार्ट हो चुका है, देखिए समंदर, वो दूर जहाज दिखता हुआ बड़ा सा, और ये सारा पार्किंग एरिया है। यहाँ पे हम करेंगे अपनी बाइक पार्क। ये देखिए गंगेश्वर टेम्पल, ये एंट्रेंस है श्री गंगेश्वर महादेव। चलिए, ये बड़ा सा एंट्रेंस। सो गंगेश्वर आ चुका हूँ मैं और यहाँ की हिस्ट्री दर्शन करने से पहले आपको बता दूँ, 5000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले पांडव यहाँ पे आए थे अपने वनवास के दौरान, और ठीक ये समंदर के किनारे वहाँ पे, ये समंदर बड़ा सा, और वहाँ पे ठीक उन्होंने 5 शिवलिंग की स्थापना की थी, पूजा अर्चना करते होंगे और ऐसे यहाँ पे टाइम स्पेंड करते होंगे, टाइम बिताते होंगे। सो बस यही देखने के लिए हम यहाँ पे आए। एक्चुअली यहाँ पे ना ऐसे सुकून है, समंदर और ठीक बाजू में ऐसे 5 शिवलिंग मतलब मंदिर, हर हर महादेव। तो ये देखिए, ये है गंगेश्वर महादेव का एंट्रेंस, ये छोटा सा मंदिर है। ये छोटा सा मंदिर जो है वो चट्टान के नीचे बनाया गया है और यहाँ पे 5 शिवलिंग है, 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो आप समंदर का पानी देख रहे हो, हाई टाइड जब आएगा तब ये जो सारे शिवलिंग है, 5 शिवलिंग पानी के अंदर डूब जाएंगे, और जब हाई टाइड चला जाता है तब ये शिवलिंग बाहर आ जाते हैं। सो यहाँ पे दर्शन कर लो, सुकून मिल गया, अच्छा लगा।
सेकंड टाइम आके। वहाँ पे गंगेश्वर भगवान का मंदिर है और दर्शन कर लिया हमने। फिर यहाँ से जो नज़ारा आ रहा है, ये नज़ारे का लुफ्त उठाने के लिए हम इस साइड चलते चलते आगे बढ़ रहे। देखते अभी आगे कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा, मतलब समंदर ही समंदर और ऐसे चट्टान है, बड़ी सी चट्टान है जिसके ऊपर से हम चल रहे और आगे की ओर बढ़ रहे। सामने पूरा समंदर है, दूर दूर तक और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बस पानी और आकाश। क्या बात है, थोड़ा सा भी यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ तो पहले नीचे जाएंगे उसके बाद सीधे ऊपर, समझ गए, तो यहाँ पे संभलना पड़ेगा। देख लो जिगर, मजा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा फेवरेट स्पॉट है, एकदम पीसफुल, नेचर के करीब, ओशन के करीब। सही है, सही बात है। तब यहाँ पे जो सुकून मिल रहा है ना, वो सुकून मतलब आप यहाँ आओगे तभी पता चलेगा, तभी आप फील कर पाओगे। बाकी ये सारी जो चट्टानें देख रहे हो आप, ये ऊपर से टूट के ही नीचे गिरी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, फिर नहीं पता मुझे। हाँ, ये सब ये कनेक्टेड है यहाँ, है ना, और टाइम के साथ हाँ। ये कोरोजन की वजह से टूटी और नीचे गिरी, नीचे गिर गई। सही है, तो देख लो यहाँ पे अपना हवाई परिंदा उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगा कि यार यहाँ से उड़ाया जाए हवाई परिंदा और ये जो सामने का नज़ारा है वो ऊपर से आपको दिखाया जाए, बट नो फ्लाइंग जोन, कैन नॉट टेक ऑफ, योर एयरक्राफ्ट हैज़ एंटर्ड अनऑथोराइज्ड जोन, ऑथोराइज्ड जोन टाइप दीव एयरपोर्ट। यार ये क्या है, देखिए बहुत कोशिश की अपना हवाई परिंदा तो यहाँ से मैं नहीं उड़ा पाया, बट टावर ऑफ साइलेंस करके एक और जगह है जो यहाँ से ऊपर चढ़ के जाना है, वहीं पे हम जा रहे और आपको दिखाएंगे। एक्चुअली इसकी भी एक हिस्ट्री है, पोर्तुगीज से पहले यहाँ पे ज़ोरोस्ट्रियन आए थे और अभी के टाइम पे वो ज़ोरोस्ट्रियन कम्युनिटी को पारसी कम्युनिटी के नाम से यहाँ पे इंडिया में जाना जाता है, ठीक है। तो हिस्ट्री आगे की जिगर तू बताएगा या मैं बताऊँ, तू ही बता चल। तो एक्चुअली यहाँ पे पोर्चुगीज से पहले रहते थे ज़ोरोस्ट्रियन, जिसको हम लोग पारसी कम्युनिटी के नाम से जानते हैं, और चूँकि वो लोग यहाँ पे रहते थे तो जिनका डेथ हो जाता था उनको एक टावर में उनका डेड बॉडी रख दिया जाता था और वल्चर्स वगैरह आके उनका फाइनल रिचुअल्स वहीं पे हो जाता था। तो उनका कल्चर का फाइनल जो डेथ के बाद का रिचुअल्स हैं वो इसी तरीके का हैं, तो वही वही टावर को कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस, जिसे हम एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। पिछली बार जब आया था तभी दिखाया था और अभी भी आया हूँ तो मैं सोचा चलो अभी आ ही गया हूँ तो दिखाई देता हूँ। वैसे बहुत सारी जगह पे जैसे मुंबई है, गोवा है, वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे भी टावर ऑफ साइलेंस मिलेंगे बहुत सारी जगह पे, बट ये थोड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है। जी हाँ, तो चलिए दिखाता हूँ टावर ऑफ साइलेंस। तो ये जो देख रहे हो सामने, इसे कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस और हिंदी में इसे दखमा भी कहा जाता है, दखमा, याद रखना, टावर ऑफ साइलेंस इंग्लिश में और हिंदी में दखमा। तो इस तरह से एंट्रेंस है, देख लीजिए। तो ज़ोरोस्ट्रियन यानी कि पारसी लोगों की जब यहाँ पे डेथ होती होगी तो डेड बॉडी जो है ये अलग अलग पार्टीशन में रखते होंगे, देख लो साइज़ के हिसाब से, ये बड़ा पार्टीशन है, ये बच्चों के लिए, ये न्यूबॉर्न्स के लिए है, ये और ये चिल्ड्रंस के लिए होगा। जी हाँ, ये चिल्ड्रंस के लिए होगा, ये न्यूबॉर्न्स बेबी के लिए होगा। सो यहाँ पे ये जो देख रहे हो यहाँ पे डेड बॉडी रखते होंगे और ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ से उनका ब्लड बहता हुआ नीचे जाता होगा और सारे जो वल्चर्स है वो यहाँ से आते होंगे। ऊपर का जो देख रहे हो आसमान ये खुला रखा गया है, वो वल्चर्स जो है डेड बॉडी को खाते होंगे। तो इसी तरह की कुछ सिस्टम है यहाँ पे रखी हुई, देख लो बनाई हुई, तो इसे कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस।
एक यहाँ पे है टावर ऑफ साइलेंस और दूसरा वहाँ पे बनाया गया है। वहाँ से हमने ये देखा, ये स्ट्रक्चर क्या है ये पता नहीं चल रहा है, मतलब यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट देख लो इस तरह से है, खंडहर बना हुआ है। ये क्या होता होगा वो मुझे पता नहीं है, देख लो इस तरह से पूरा खंडहर बन चुका है अभी तो। अगर आप में से किसी को पता हो ये स्ट्रक्चर के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। यहाँ पे इन लोगों को नोटिस बोर्ड रखना चाहिए, सच कह रहा हूँ, हर एक जगह पे ऐसे। ये भी हिस्टोरिकल प्लेस का एक पार्ट है। जी हाँ, हिस्टोरिकल प्लेस पे ऐसे होना तो चाहिए नोटिस बोर्ड, तो सबको पता चले कि एक्चुअली ये किस काम के लिए बनाया गया था। चलो कोई बात नहीं, जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन थी ये जगह के बारे में आपको बता दी। अभी आप कुछ और भी ज़्यादा जानते हो तो कमेंट करके आप ऐसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसे कहते हैं नक्षत्र वन। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, मैं पिछली बार वो गार्डन में गया था, शाम हो गई थी मतलब अंधेरा होने लगा था तो ऐसे एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, बट आज टाइम है हमारे पास वो गार्डन को एक्सप्लोर करने का, तो क्यों ना भाई एक्सप्लोर किया जाए, ये सोच के वहीं पे जा रहे और आपको दिखाता हूँ, आपको भी मज़ा आएगा। देख लो, ये देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है, रास्ते के आसपास पेड़ ऊंचे ऊंचे, ऐसा लग रहा है मैं साउथ इंडिया में घूम रहा हूँ केरला में एंटर कर गया ऐसा लग रहा है, केरला याद आ गया होगा। तो मैं ये गार्डन इसलिए एक्सप्लोर करना चाहता हूँ बिकॉज बहुत कम लोगों ने अपने व्लॉग में ये गार्डन एक्सप्लोर किया हुआ है, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना अपने व्लॉग में ये गार्डन भी एक्सप्लोर करके दिखाऊँ, बिकॉज जब भी मेरा व्लॉग देखो आप और व्लॉग देखने के बाद दीव आओ तो ये गार्डन भी आप विजिट करो। तो ये देखिए, ये है नक्षत्र वन, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के स्टैचूज आप देख रहे हो, और ये है पहला एंट्रेंस। हमें आगे जाना है, दूसरे एंट्रेंस से हम एंट्री लेंगे। ये देखिए यहाँ पे है नक्षत्र वन, चिल्ड्रन प्ले एरिया, राशि वन, नवग्रह वन, वन कुटीर। तो वन कुटीर इस साइड है, बाकी सब इस साइड है। पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, छाव ही छाव, हर जगह हर एक कोने में छाव। इतनी खूबसूरत जगह पे आके, मतलब कि दीव इतना खूबसूरत है तो इतनी खूबसूरत जगह पे आके इतने ब्यूटीफुल से गार्डन को आप स्किप कैसे कर सकते हो। और ये सारा प्लांटेशन नक्षत्र के हिसाब से किया गया है, ऐसा प्लांटेशन मैं अभी यहाँ पे पहली बार देखा, मतलब और कहीं पे भी होगा, बहुत सारी जगह पे होगा ऐसे गार्डन होंगे, ढेर सारे होंगे, बट मैंने अपनी लाइफ में पहला गार्डन ऐसा देखा। विजिट करना तो बनता है। गंगेश्वर टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद नक्षत्र गार्डन भी एक्सप्लोर करके दिखा दिया। अभी धूप काफ़ी निकल आई और हम सुबह से घूमे जा रहे थक चुके हैं, सोच रहे कि घर जाके अब खाना खाया जाए, आराम किया जाए। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना इस वीडियो पर। हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। हम मिलेंगे इसी हंसी मजाक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूँ ही मेरी तरह कुछ ना कुछ करते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। अरे वाह सेरू, तुम तो माज कर दी वाह बेटे वाह, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई, अरे बेटा माज कर दे।
कट कर दे।